हो रहा है, लॉन्च हो रहा है ना, दो मिनट में लॉन्च कर दिया तो राजनाथ सिंह ये बोल रहा है, ये मेरे कॉमेंट करेगा। Thank you, sir. You are now once again request Honorable Raksha Mantri to hand over the drug to the Honorable Minister of Health and Family Welfare, Dr. Harshvardhan. And now I request Honorable Minister of Health and Family Welfare to hand over the drug to the Director AIIMS. Requesting Director AIIMS, Dr. Randeep Guleria, Professor Randeep Guleria to receive the drug from Minister of Health. May I once again request Honorable Minister of Health and Family Welfare to hand over the drug to DG FMS. He was not able to come due to some personal experiences. इसलिए यह काम निश्चित रूप से होना चाहिए और हमारे जो काम हुआ है मैं समझता हूं हमारे साइंटिफिक प्रोग्रेस का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं पुनः सभी वैज्ञानिकों को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और इसलिए मैं डीआरडीओ और ड्रग के रिसर्च और डेवलपमेंट से जुड़े सभी लोग हैं जैसा मैंने कहा उनको मैं सम्मानित खुद करूंगा और मैं अपनी तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। और यह ड्रग जिसका यह इजाद हुआ है यह आशा और उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है, यानी हमारे देश के सामने यदि बड़ा से बड़ा चैलेंज आए तो हमारे वैज्ञानिकों के अंदर वह क्षमता है, वह ताकत है कि उसका मुकाबला वह कर सकते हैं। और जो यह ड्रग का इजाद किया गया है मैं समझता हूं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों की एक जो साइंटिफिक कैपेबिलिटी है उसकी भी एक मिसाल है, उसका भी एक उदाहरण है। और जब भी हमारे देश को जरूरत पड़ी है, जब मैं रक्षा मंत्रालय का दायित्व तो नहीं संभाल रहा था तब से मैं जानता हूं डीआरडीओ ने बहुत ही अहम भूमिका का निर्वाह किया है। और डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जिस तत्परता के साथ अपने काम में लगे रहते हैं क्योंकि हमारे ही रक्षा मंत्रालय के ही वो सेक्रेटरी हैं, डीआरडीओ के चेयरमैन हैं, मैं उनकी भी भूमिका को देखता हूं सचमुच मुझे लगता है कि जिसकी मैं प्रशंसा न करूं तो उनके साथ ये इनजस्टिस होगी। बहुत ही बराबर इन सब सारी चीजों में सिंसियरली वो अपना रोल प्ले करते रहते हैं। आज इस ड्रग की लॉन्चिंग हुई है और देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को हैंड ओवर किया है और इन्हें जिन्हें करना चाहिए राजेश भूषण जी हेल्थ सेक्रेटरी और हमारे डायरेक्टर रेणी डॉक्टर गुलेरिया जी उनको उन्होंने हैंड ओवर किया है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं यह करने के परिणामस्वरूप हम सबों को निश्चिंत होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहां सारे एक्सपर्ट बैठे हैं वो जानते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट के द्वारा जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि आगे भी और कोई यो आ सकती है क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता और मैं कहना भी नहीं चाहूंगा। लेकिन हमको निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है, न हम निश्चिंत होंगे और न हम फंसेंगे और न किसी रूप में हम हारेंगे, हम कोविड पर विजय प्राप्त करेंगे। इस संकल्प के साथ हम सबको आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता है। वैसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और सारे हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं सबके कलेक्टिव डिफॉल्ट से एक ऑक्सीजन प्रोडक्शन ये समस्या थी, काफी हद तक हम लोगों ने इसमें कामयाबी हासिल की है। ऑक्सीजन सप्लाई उसको भी काफी हद तक हम लोगों ने रेस्टलाइज कर लिया है, अब ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी कहीं पर नहीं आ रही है। समय समय पर सेक्रेटरी हेल्थ जब राजेश भूषण जी के भी प्रेजेंटेशन को प्रधानमंत्री जी के मीटिंग में देखने का अवसर प्राप्त होता है और उस माध्यम से भी हमको जानकारी प्राप्त होती रहती है। मेडिसिन को लेकर भी अब कोई चैलेंज हमारे सामने कोई बेयर ऐसा शेष नहीं बचा है। आईसीयू बेड
वेंटिलेटर, क्रायोजेनिक टैंकर, यह सब सारी चीजों की कुछ भी कमी थी। आपने देखा होगा समाचार पत्रों में बराबर कुछ न कुछ इस प्रकार की खबरें मिलती रहती थी और कुछ लोगों के आलोचना का शिकार भी सरकार को होना पड़ता था। लेकिन इन सब सारी समस्याओं का समाधान सबके कलेक्टिव रिसोर्स के द्वारा यह हुआ है और यह कहते हुए मुझे सचमुच से बेहद खुशी हो रही है। अब ऑक्सीजन के संबंध में मैं देख रहा था कि 17 मई को यहां पर हमारे पास 4,739 मेट्रिक टन ऑक्सीजन थी। आज हमारे पास मोर देन 9,500 मेट्रिक टन ये ऑक्सीजन है और इससे भी आगे ये बढ़ने वाली है। कोविड की टेस्टिंग भी काफी बढ़ी है, काफी इसको हम लोगों ने बढ़ाया एग्जैक्ट फिगर को, क्योंकि रोज यह फिगर बढ़ गई है, एग्जैक्ट फिगर बताना तो संभव नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि यह टेस्टिंग और आगे बढ़नी चाहिए और उन्होंने कहा है कि डोर टू डोर यह टेस्टिंग का सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए। और आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि आशा, आंगनबाड़ी और ये सब जो कार्यकर्ता हैं उनको भी आवश्यक जो टेस्टिंग किट्स हैं, टूल्स हैं, वह देकर उनको एम्पावर किया जाना चाहिए ताकि वह भी टेस्टिंग के काम में लग सकें। मेडिकल ऑक्सीजन में भी तेजी के साथ जब बढ़ावा आया है अब उसकी भी शॉर्टेज नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने बताया वैक्सीनेशन का काम भी तेजी के साथ प्रारंभ हुआ ही है। जहां तक रक्षा मंत्रालय का प्रश्न है, मैं कह सकता हूं कि रक्षा मंत्रालय भी इस